जी नमस्कार, मेरा नाम रंजन शांडिल्य है और सारण से जुड़ी दिन भर की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। शाम के 8 बज चुके हैं, बिना देर की शुरुआत करते हैं 10 फटाफट खबरों के साथ। अप्रैल 2023 को सोनपुर के पंजाब नेशनल बैंक में होने वाले लूट कांड में दो जवानों का अपराधियों के द्वारा हत्या की गई थी। उन अपराधियों का खुलासा घटना के 11 दिन बाद 24 अप्रैल को हुआ, जिसमें 5 अपराधियों को पकड़ा गया था जो बेगूसराय, मुंगेर और मधुबनी के रहने वाले थे। उस दिन के बाद आज फिर से उस घटना में संलिप्त दो और अपराधियों की गिरफ्तारी दरियापुर थाना से की गई है। गौतम कुमार पिता त्रिवेणी साह, दूसरा विकास कुमार पिता रामबाबू सिंह, दोनों लालगंज थाना वैशाली के रहने वाले हैं। इन दोनों के पास से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। जिलाधिकारी सारण अमन समीर की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मियों के नियोजन, अवधि विस्तार एवं अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु बैठक कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। बैठक में अंतिम रूप के लिए गए निर्णय के अनुसार संविदा पर कुल 2, अवधि विस्तार हेतु कुल 6 एवं अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु कुल 6 नामों पर स्वीकृति जिला पदाधिकारी के द्वारा दी गई। SCP लाभ हेतु विस्तृत जाँच चार्ट पेपर तैयार करने का निर्देश स्थापना उपसमाहर्ता को जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी कार्यालय के कर्मियों का एक साथ SCP का लाभ दिया जाएगा। ऊर्जा का समझदारी से इस्तेमाल करने से आप भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं और वातावरण संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान करते हैं। सारण जिला के बनियापुर में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल इंडियन ऑयल के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अभियान में आओ साइकिल चलाएं कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में इंडियन ऑयल के सीनियर सेल्स ऑफिसर प्रवीण सागर ने ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में उपस्थित श्रोताओं को समझाया और बताया कि कैसे ऊर्जा का संरक्षण हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलन के साथ किया। जिलाधिकारी सारण अमन समीर की अध्यक्षता में जिले में चल रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक में विभिन्न कार्य एजेंसियों को आपस में समन्वय स्थापित कर तेजी से कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया गया। नमामि गंगे अमृत जल योजना, गैस पाइपलाइन बिछाने वाली एजेंसियों को अपने अपने एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी एक दूसरे को देने के साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य पूर्ण करने को कहा गया, ताकि लक्षित कार्य में अनावश्यक विलंब एवं नुकसान न हो। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को लंबित भुगतान हेतु लगातार विशेष कैंप का आयोजन संबंधित क्षेत्र में करने को कहा गया। तरैया में मुर्गा व्यवसायी से 78,000 की लूट, 5 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। तरैया प्रखंड के डुमरी उसरी चंवर में चोड़वा बर के समीप ग्रामीण सड़क पर अपाची सवार 5 अपराधियों ने एक मुर्गा व्यवसायी को घेरकर उसके 78,000 रुपए लूट लिए। पीड़िता मुर्गा व्यवसायी पानापुर थाना के भगवानपुर गांव निवासी जितेंद्र सिंह का पुत्र शैलेश कुमार है। पीड़ित ने बताया कि वह भगवानपुर बाजार पर मुर्गा का व्यवसाय करता है। वहीं से 78,000 रुपए निकालकर तरैया SBI में मुर्गा डिलीवरी के लिए पार्टी के खाते में जमा करने आ रहा था। छपरा शहर में 2 गुटों के खूनी झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के खनुआ कुरार मोहल्ले में घटित हुआ है। घटना के बाद सदर अस्पताल में लोगों का जमावड़ा लग गया। घायल युवकों की पहचान मोहम्मद शाहिल 18 वर्षीय, पिता फेकू आलम, मोहम्मद ढिलू 22 वर्षीय, पिता छैलू कुरैशी, सैफी आलम 18 वर्षीय, पिता मोहम्मद शमीम और मुश्किल मोहम्मद 24 वर्षीय छैलू कुरैशी के रूप में हुआ है। चारों घायल युवक खनुआ कुरार टोला के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 लड़कों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोनों गुट में पुराना रंजिश बताया जा रहा है। जिला पदाधिकारी सारण फोर्स की बैठक कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। जिलाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी से कृषि विभाग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिला में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कारगर व्यवस्था बनाने का निर्देश
डीएम के द्वारा दिया गया। उन्होंने खाद वितरण की व्यवस्था का सघन अनुश्रवण करने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया, जिसमें खाद के जिले में आने से लेकर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता के पास वितरण की फुल प्रूफ व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। खाद वितरण के हर स्टेज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके तहत प्रतिदिन का सभी स्तरों पर खाद का स्टॉक जिला कृषि पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। खाद के स्टॉक की जिला स्तरीय पदाधिकारियों के से जांच भी करवाई जाएगी। नियमित रूप से खाद का उठाव नहीं करने वाले विक्रेताओं से स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा एवं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आपने हमें वोट दिया है राम मंदिर बनाने के नाम पर, तो बिहार में नली गली स्कूल फैक्ट्री बने या न बने, लेकिन अयोध्या के में राम मंदिर बन ही रहा है। आपने हमें वोट दिया है जाति के नाम पर, तो बिहार में घर घर में जाति की चर्चा हो ही रही है। आपने वोट दिया है नीतीश कुमार को बिजली देने के नाम पर, तो बिजली का बिल 6,000 आई या 8,000, लेकिन बिजली घर घर आ ही रही है। आपने वोट किया है सिलेंडर के नाम पर, तो 1200 का सिलेंडर हो या 1400 का सिलेंडर आपको मिल ही रहा है। आपने वोट किया है मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा देखकर, तो भले ही आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ है, लेकिन टीवी में आए दिन मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा आपको दिख ही रहा है। आपने वोट किया है गुजरात में विकास की कहानी सुनकर, तो गुजरात में विकास हो ही रहा है और बिहार के लड़के रोजगार पाने के लिए जा ही रहे हैं। तो जब आपने अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट किया ही नहीं है, तो आपके बच्चों को अच्छी पढ़ाई और रोजगार कहां से मिलेगा? जिला पदाधिकारी सारण अमन समीर, उप विकास आयुक्त सारण प्रियंका रानी के साथ छपरा सदर प्रखंड अवस्थित करिंगा में ऐतिहासिक डच मकबरा देखने पहुंचे। डच मकबरा एवं कब्रिस्तान के जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने उसके जीर्णोद्वार हेतु मनरेगा से कार्य प्रारंभ कराने हेतु उप विकास आयुक्त सारण को कहा। विदित है कि लगभग 300 वर्ष पुराना डच मकबरा ताजमहल के वास्तुकला पर निर्मित करवाया गया था। इसे स्थानीय लोग छोटा ताजमहल भी कहते हैं। डच मकबरा के जीर्णोद्वार एवं आसपास के क्षेत्र के विकसित होने से देश विदेश एवं राज्य के से पर्यटक इसे देखने आएंगे। 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु जिला के सभी प्रखंडों में 6 मई को मतलब आज कैंप का आयोजन किया गया। सारण जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सारण प्राधिकार सारण छपरा अमन समीर की अध्यक्षता में 13/5/2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक का आयोजन कार्यालय कक्ष में किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमे के आधार पर निष्पादन किया जाएगा, जिसमें पक्षकारों के बीच व्यवहार न्यायालय में लंबित मुकदमों प्रीलिटिगेशन संबंधी वाद, आपराधिक वाद, शमनीय वाद एवं अन्य सुलहनीय मामले से संबंधित विवादों का निपटारा समझौते के आधार पर पक्षकारों की आपसी सहमति से निःशुल्क किया जाएगा। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं कल इसी समय पर 8 बजे ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। शुभ रात्रि।